नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कांग्रेस नेता शेरबाज पठान को अपराधी मानते हुए उसकी 5 स्थानों की संपत्ति को तहसील प्रशासन चांदपुर द्वारा सीज किया गया। सीज की गई संपत्ति में प्लॉट, कृषि भूमि एवं ईंट भट्टा शामिल है, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। उप जिला अधिकारी मनोज कुमार ने बताया, जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त शेरबाज पठान द्वारा अपराध कारित कर अर्जित किए गए अवैध धन से ग्राम मिर्जापुर बेला, चांदपुर, तहरपुर व खानपुर खादर की संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में सीज किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस संपत्ति में आज से किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। संपत्ति के रिसीवर तहसीलदार चांदपुर होंगे। इस दौरान तहसीलदार चांदपुर प्रभा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत कुमार सोनकर, भारी पुलिस फोर्स के साथ चांदपुर नगर में 2 प्लॉट तथा मिर्जापुर में ईंट भट्टा, ताहरपुर व ग्राम खानपुर खादर में कृषि भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में सीज किया और तहसीलदार चांदपुर को रिसीवर नियुक्त किया। साथ ही आपको बता दें, गत वर्ष चांदपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी से एक बूथ पर हुए विवाद को लेकर शेरबाज पठान के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिस पर पुलिस ने शेरबाज पठान को जेल भेज दिया था। जेल से आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अब शेरबाज पठान के विरुद्ध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से धारा 14(1) के तहत मुकदमा 2 जनवरी को डिसाइड हुआ और उसमें शेरबाज पठान, उनके विरुद्ध उनकी जो अचल संपत्ति हैं जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर में 5 जगह स्थित हैं, जिसमें ईंट भट्टे, प्लॉट और कृषि भूमि भी है, और उनको राज्य सरकार के पक्ष में सीज किया गया है और इसके रिसीवर तहसीलदार चांदपुर को बनाया गया है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।